ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ। କହିଲେ ମଦ୍ରାସାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାନବିକତାର ଶତ୍ରୁ। ଲଣ୍ଡନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କଲେ ସମାଲୋଚନା। କହିଲେ ଜେଏନ୍ୟୁ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଆସାମରେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ଶେଷ କରିବା ଦିଗରେ ଲଗାତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ମଦ୍ରାସାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବିକତାର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଓ ପଞ୍ଜଜନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ରାସା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳ ଯାଏ ମଦ୍ରାସା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୁଲୁଥିବ ସେତେବେଳ ଯାଏ ପିଲା ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ମଦ୍ରାସା ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେବେ। ମଦ୍ରାସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରାଇବା ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆପଣ ଖୁବ୍ କୁରାନ୍ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଘରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। तब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा इस रास्ता से, तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा। मद्रासा में तो दाखिल किया जाता है वायोलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए। सेहीपरी कांग्रेस रो पूर्वतन सभापति राहुल गांधी भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहिथिबारु हेमंत विश्वशर्मा तांकु कड़ा समालोचना करिछंती। से एही कार्यक्रम रे कहिछंती जे ଯଦି ଭାରତ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ତେବେ ଆମର 5000 ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି କୁଆଡେ ଗଲା। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट मींस यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था। यदि आपण भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली कहउछंती तेबे भारतर प्रत्येक विरासत को विवादीय बोली कहउछंती। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନ ଯିବାକୁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବାସୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट, तो मेरा 5000 साल का संस्कृति कहां गया? अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट मींस यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था। लेकिन आसाम का लोगों ने लड़ा कि मुझको पाकिस्तान नहीं जाना है, हमको भारत में रहना है, इसलिए भारत मेरा आत्मा है। अगर बोलते नहीं नहीं ये एक एग्रीमेंट कर दिया, अभी राहुल गांधी ऐसा समझा रहा है लोगों को जैसे आपका और मेरा बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। भाई स्वाधीनता का पहले जब गांधी जी को सारा देशवासी ने अपना लीडर समझा तो क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था क्या गांधी जी का साथ? डॉक्टर समन्वय नंदन का इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।